हाँ तो भैया, क्या हाल है दोस्तों। खैरियत से। आज हम एक बार फिर एक मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि पाकिस्तानी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी आ रही हैं। और इसी में एक मूवी है, पीछे तो देखो। ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने पर्सनली खुद देखी है, तो आपको भी देखना है। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो बाकी बातें करेंगे वीडियो शुरू होने के बाद। हेलो गाइस, वंस अगेन आई एम हियर एंड वेलकम टू माय चैनल व्लॉगिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और मैं कराची वापस आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 2 दिन से मेरे स्टेटस देख रहे हैं आप लोग। और कराची आते ही मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ द अरीना में, जो कि सिंधी मुस्लिम पर है, तारिक रोड पर। और यहाँ पर एक मूवी की लॉन्चिंग है, तो अभी अभी आया हूँ भाई, देखते हैं आगे का क्या सीन पार्ट है और व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, फॉलो करें और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चले आगे बढ़ते हैं। और ये मैं इंटर हो गया हूँ, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा जो डिस्प्ले दिया हुआ है काफ़ी सारी मूवीज़ का। अच्छा, हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ भी यहाँ पर लगती हैं, बट हमें लॉलीवुड मूवीज़ जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं अभी, जैसे कि अभी आ रही है कायदे आज़म जिंदाबाद, पीछे तो देखो, बहुत अच्छी मूवी है। अभी हम बात करेंगे आज वाली मूवी पे, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा और आगे आगे बढ़ते हैं। और मैं तकरीबन थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मूवी शुरू हो गई थी, बट मैंने शॉट ज़रूर लेना था, तो इसलिए मैं रुक गया था। मैंने बोला शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं मूवी को इन्जॉय करूँगा पॉपकॉर्न के साथ। तो ऐसे ही हुआ। और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सिटिंग एरिया बहुत प्यारा है और पीसफुल माहौल है। तो चलते हैं आगे। तो भाई मूवी शुरू हो चुकी है और चले और अंदर चलते हैं और आगे जगह भी चेक करते हैं। और ये धीरे धीरे मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और एनवायरनमेंट और जो यहाँ का एक पीसफुल माहौल होता है वो मुझे बड़ा पसंद है, और बिल्कुल आपका माइंड जो है ना बहुत रिलैक्स हो जाता है। और मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तानी मूवीज़ को देखें, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, और आप हॉलीवुड बॉलीवुड जो आपको पसंद है वो भी देखें, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री को और हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और ये मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ और बस अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है, अभी तो कमर्शियल वगैरह चल रहा है और आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा ताकि आप मूवी को ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। तो जी, ये इंटरवल आ गया और इंटरवल तक मूवी बड़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग रही, और नौमान भाई से भी मुलाकात हुई मेरी। थी दानियाल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बालों से लेके जिस्म तक और एक्टिंग से लेके प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, ब्लॉग्स बड़ी अच्छी से देखा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और दो अल्फाज नुमान भाई ने मेरे लिए बोले, थैंक यू सो मच नुमान भाई। और इंटरवल के बाद मूवी दोबारा शुरू हुई और बिल्कुल ही उस मूवी का नक्शा चेंज हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मूवी के बारे में मैं थोड़ा बहुत ये बता दूं कि ये मूवी हॉरर, कॉमेडी और इमोशनल बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसका। और मूवी ख़त्म होने के बाद अभी तक मुझे उस मूवी के बहुत सारे सीन्स जो हैं अभी तक याद हैं, और एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि वो मूवी एक फैंटेसी मूवी टाइप थी, क्योंकि वो एक बहुत पुराने ज़माने की उसमें दिखाया गया है और नए ज़माने का भी दिखाया गया है। तो दो शक्लें जो उसमें दिखाई हैं मूवी में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इस मूवी को देखें। और वज्जी भाई से भी मुलाकात हुई, और ये जो दो कैरेक्टर हैं ना, ये दो कैरेक्टर इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। जो हीरो तो है, हीरो है, लेकिन ये जो दो कैरेक्टर हैं ना, ये आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ये दो कैरेक्टर हैं कौन। और यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी चला, और ये जो है, ये वैसे तो हीरो भी हैं लेकिन इनका एक नेगेटिव रोल भी है, जो कि आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। और काफ़ी इंटरव्यू हुए, मीडिया पर्सन भी आए थे, तो मूवी बहुत अच्छी रही और इसकी लॉन्चिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और नेक्स्ट भी अभी देखते हैं, कोई मूवी अगर आएगी तो उसकी लॉन्चिंग में भी जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लाजमी जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, दिल में कोई बात है तो कमेंट फेंको, और इस तरह के मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने से खुद को मत रोको। चल मेरे यार, कल्टीशा का नारा।